जिनकी निशानियां अब तक मौजूद हैं, ये न सिर्फ मंदिरों के रूप में बल्कि विशेष स्थापित कला के लिए भी जानी जाती हैं। आज हम आपको ऐसे ही स्थान के बारे में बता रहे हैं जो है तो एक छोटे से गांव में, लेकिन इसकी प्रसिद्धि दूर दराज तक है। इस स्थान को कोंडल के शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा से तारादेही सड़क मार्ग पर ग्राम पंचायत दरौली से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर ग्राम कोंडल स्थित है, जहां स्थित है कालचूरी राजाओं के द्वारा बनाया गया यह प्राचीन शिव मंदिर। सांस्कृतिक व पुरातत्व की धरोहर है। मंदिर के चारों ओर अद्भुत कलाकृतियों की नकाशी पत्थरों पर की गई। खजुराहो की तरह कलाकृतियों का यह मंदिर 950 ईस्वी पूर्व में कालचूरी शासकों द्वारा बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग इसे चंदेरी वंश भी मानते हैं। इसकी देखरेख वर्तमान में पुरातत्व विभाग सागर के जिम्मे है, जहां पर शिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव के दर्शनों के लिए भक्तों का आपार जनसमूह मंदिर के दर्शन करने आते हैं। स्वामी और सेवक की के संबंधों की एक मिसाल बनती है। श्री भरत जी ने, श्री भरत जी को देखकर के निषाद राज ने कहा, स्वामी का, स्वामी का देख मुख लो ओ भरत सन ले ओ जिय तन सुर सरे उतरन दे। यह जो प्राचीन पुरातत्व विभाग का मंदिर कोडल, यहाँ पर जो है ये बहुत प्राचीन मंदिर है। जिस समय पर अंग्रेजों ने इस मंदिर के ऊपर धावा बोला था, अंग्रेजी शासन काल का ये मंदिर महाभारत के समय इसका जो है रखा गया। आज भी इसकी कुछ प्रत्यक्ष मूर्तियां रखी हुई हैं जो अंग्रेजों के माध्यम से खंडित की गई थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर ऐसी कृपा है कि जो भी जो कामना से यहाँ पर आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज ये मनोकामना पूर्ण वाला ही अनुष्ठान चल रहा है हमारे आप सभी के बीच में, जिसमें आने से जो व्यक्ति जो कुछ बोलता है यहाँ पर सब कामनाएं पूर्ण होती है। दो चार व्यक्ति हैं हमारी समिति में जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। दूसरे श्री मणिशंकर चौबे जी, ऐसे बहुत से लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से एक दूसरे को लेकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। Yeah.